सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब अंबेडकर, जिनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में भीमराव अंबेडकर के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके 2 साल बाद अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की शिक्षा में सफल हुए और बड़े स्कूल में जाने में कामयाब हुए। अपने एक देशभक्त ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर आधारित था। बचपन से ही बाबा साहब ने छुआछूत की पीड़ा महसूस की थी। जाति के कारण उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ने से वंचित रहना पड़ा था। कहते हैं कि जहाँ चाह है वहीं रहा है। प्रगतिशील विचारक एवं पूर्ण रूप से मानवतावादी बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने भीमराव जी की उच्च शिक्षा हेतु 3 साल तक की छात्रवृत्ति प्रदान की, किंतु उनकी शर्त थी कि अमेरिका से वापस आने पर 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पहले एमए तथा बाद में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध का विषय भारत का राष्ट्रीय लाभ था। इस शोध के कारण उनकी बहुत प्रशंसा हुई। उनकी छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। 4 वर्ष पूर्ण होने पर जब भारत वापस आए तो बड़ौदा में उन्हें उच्च पद दिया गया, किंतु कुछ सामाजिक विडंबना की वजह से और आवासीय समस्या के कारण उन्हें नौकरी छोड़कर बंबई जाना पड़ा। बंबई में उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, परंतु संकीर्ण विचारधारा के कारण वहां भी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। इसके बावजूद आत्मबल के धनी भीमराव आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। 1919 में वे पुनः लंदन चले गए और अपने अथक परिश्रम से एमएससी, डीएससी तथा बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बोरोह समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्दी ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़ीवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़ीवादी समाज में हलचल मचा गया। अंबेडकर ने अपनी वकालत भी अच्छी तरह जमा ली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। सन 1926 में वो बंबई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गए। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महट में अस्पृश्य समुदाय को भी शहर के पानी की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1 जनवरी 1927 को अंबेडकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहां महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए।
1927 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की और उसके बाद उन्हें सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन 1928 में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत वर्ष में विरोध प्रदर्शन हुए और इसकी रिपोर्ट को ज्यादातर भारतीयों ने नजरअंदाज कर दिया। अम्बेडकर तब तक भारत की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी उदासीनता की कटु आलोचना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी भीमराव अंबेडकर जी के मतभेद रहते थे। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए एक ऐसी राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का कोई दखल न हो। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपना दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा। उनके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा इसी में थी कि वो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनों से स्वतंत्र रहे। इस भाषण में अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह की भी आलोचना की थी। अंबेडकर की आलोचना और उनके राजनीतिक काम ने उनको रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ ही कांग्रेस के नेताओं में भी अलोकप्रिय बना दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी अछूतों की पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी महात्मा गांधी ने आशंका जताई थी कि अछूतों के लिए दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिए विभाजित कर देगी। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तब महात्मा गांधी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के अनुसार यह व्यवस्था हिंदुओं को विभाजित कर सकती थी। अनशन के कारण गांधी जी की मृत्यु होने की स्थिति में सामाजिक प्रतिशोध के कारण अछूतों की हत्याओं का डर बढ़ गया और गांधी जी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पृथक निर्वाचिका की मांग वापस ले ली। इसे पुणे समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 26 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था और अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। इसके चलते अंबेडकर बंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर अंबेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अंबेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है वहां जाने का उनका कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। भले ही छुआछूत के खिलाफ उनकी लड़ाई को भारत भर से समर्थन हासिल हो रहा था, पर उन्होंने अपना रवैया और अपने विचारों को रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रति और कठोर कर लिया। उनकी रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का उत्तर बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा की गई उनकी आलोचनाओं से मिला। 13 अक्टूबर को नासिक के निकट योला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म को छोड़कर और कोई धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में दोहराया भी। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कारण कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की थी। हालांकि इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी की शंका भी निर्मूल नहीं थी कि आगे चलकर समाज विभाजित हो जाएगा। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने बड़ी संख्या में अत्यधिक विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए। अंबेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया में उसकी रीतियों के भी बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का पक्ष तो लिया था, लेकिन मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की वो घोर निंदा करते थे। उनके विचार से सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने हमेशा सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की थी। वो सोचते थे कि हिंदू और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनप सकती है। अपने सत्य परंतु विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बावजूद अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई
तो उसने अम्बेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। अम्बेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, काम करने लायक है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो गए थे और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। 1954 में अंबेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में, तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम महान ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समारोह का आयोजन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रीलंका के एक महान बौद्ध भिक्षु महत्व वीर चंद्रमणि से पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने पहले दिन ही लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। भीमराव ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को नागपुर में अपने 2 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। फिर तीसरे दिन 16 अक्टूबर को भीमराव चंद्रपुर गए और वहां भी उन्होंने 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिन में भीमराव ने 10 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। इसके बाद वे नेपाल में 4th विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध या काल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। अंबेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में ऐतिहासिक बौद्ध धर्म में परिवर्तन के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की, जो बौद्ध धर्म का एक सार या दर्शन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 10 लाख लोगों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहने लगे और उनकी दृष्टि भी कमजोर होने लगी। सामाजिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार कामना उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के पश्चात 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में ही दिल्ली में उनके घर में हो गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर रह गई थी, जो जन्म से ब्राह्मण थी, पर उनके साथ ही वो भी धर्म परिवर्तित कर बौद्ध बन गई तथा दलित बौद्ध आंदोलन में भीमराव के बाद बौद्ध बनने वाली वह पहली व्यक्ति थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर सविता अंबेडकर की एक बौद्ध के रूप में सन 2002 में मृत्यु हुई। अंबेडकर के पौत्र प्रकाश यशवंत अंबेडकर भारिपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। कई अधूरे टंक लिपित और हस्तलिखित मसौदे अंबेडकर के नोट और पत्रों में पाए गए हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा, जो संभवतः 1935-36 के बीच का आत्मकथनात्मक काम है, अंबेडकर का एक स्मारक उनके दिल्ली स्थित घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। मुंबई में उनके स्मारक पर हर साल लगभग 15 लाख लोग एकत्रित होते हैं। उनके प्रशंसक उनकी वर्षगांठ 14 अप्रैल, उनके पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्म चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को विशेष आयोजन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय में अंबेडकर के कुछ सिद्धांत थे, जिन्हें अंबेडकरवाद के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब अंबेडकर पर कई फिल्में और कई नाटक भी बने हैं। तो मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।